वो टाइम चला गया जब हम 60,000 में GTX 1650 या फिर RTX 2050 वाला ग्राफिक कार्ड लेते थे। आज की डेट में कम से कम RTX 3050 GPU लेंगे 60,000 वाले गेमिंग लैपटॉप में। और प्रोफेशनल की बात करें तो कोई भी 12th या फिर 13th जनरेशन से नीचे का प्रोसेसर नहीं लेना। अगर आपने इससे नीचे वाला प्रोसेसर ले लिया फिर आपने अपने पैसे को सीधा कचरे के डब्बे में डाल दिया। गेमिंग लैपटॉप बाय कर सकते हो 11th जनरेशन वाला भी, अगर उसका ग्राफिक कार्ड बढ़िया मिल रहा है, सिर्फ तभी। उसके बाद कभी किसी लैपटॉप के अंदर आपने 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखा है? मैकबुक की बात नहीं कर रहा मैं, विंडोज लैपटॉप में आपको ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जिसके अंदर आपको 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा सिंगल चार्ज पे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि आपको आज की इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। अगर तो एकदम सबसे बेस्ट लैपटॉप लेना है जो कि आप 4-5 साल तक बिना किसी दिक्कत के यूज कर सको, फिर आपने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करते हैं, HP लैपटॉप 15। इसका जो प्राइस है वो 62,000 रुपए है। देखो 1-2,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस, अगर आप डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे 60,000 में मिल जाएगा। अगर आप 2,000 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा पे करके भी बाय कर रहे हो ना, फिर भी सबसे वर्थ इट लैपटॉप है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल रही है ना, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया हो जाती है, जो भी हमें पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक की बॉडी के साथ मिलती है। लैपटॉप के अंदर हमें बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद इसके अंदर हमें i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया, 13 जनरेशन का, 10 कोर 12 थ्रेड्स। देखो प्रोसेसर के पीछे ना एक टर्म यूज की गई है कि यू सीरीज का प्रोसेसर है 1335U। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप के ऊपर ना अब ज्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, ना तो आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो, ना तो इसके ऊपर आप हैवी लेवल की एडिटिंग कर सकते हो, बट इसका जो बैटरी बैकअप है वो सबसे बढ़िया होता है। आगे आपको प्रोफेशनल और गेमिंग दोनों के अंदर आपको एच सीरीज वाले लैपटॉप भी बताऊंगा और पी सीरीज वाले भी, डोंट वरी। 16GB की रैम एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। लैपटॉप अपना फ्यूचर प्रूफ बन गया टोटली। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। एक्सटेंडेड डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप के अंदर, जो कि हर एक 60,000 के लैपटॉप के अंदर हमें कम से कम मिलनी चाहिए, वही स्टैंडर्ड डिस्प्ले मिल रही है। इंटेल के RS ग्राफिक्स है, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे तक का मिल जाएगा हमें इसके अंदर, क्योंकि यू सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। एक USB टाइप सी, 2 USB टाइप ए, एक HDMI 1.4, 3.5 mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर आपने बिल्कुल लाइट प्रोफेशनल काम करनी है ना, फिर लैपटॉप आपके लिए रिकमेंडेड है, जरूर कंसिडर करो। कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर इसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर आपने हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं फिर लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 58,000 के करीब इसका करंट प्राइस है एंड लैपटॉप के अंदर हमें रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे। एक्सबॉक्स का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। उसके बाद बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला 13420H। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1335U के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। कंपैरिजन आपके सामने है, अब वीडियो पॉज करके इन दोनों का कंपैरिजन चेक कर सकते हो। 16GB की रैम है 4800 MHz वाली, इसकी रैम लेटेस्ट होगी, DDR5 रैम दे रखी है एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, बट इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512GB की Gen 4 SSD है, Gen 4 SSD लेटेस्ट होती है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो भी ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, बट ये एक्सपेंडेबल है। तो लैपटॉप के अंदर हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर, DDR5 रैम एंड Gen 4 SSD, तीनों चीजें लेटेस्ट मिल रही हैं, ये काफी बढ़िया चीज है। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ में। 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के USD ग्राफिक्स मिल जाएंगे, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2021, एक USB-C जो की पावर डिलीवरी, डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले पोर्ट, इन तीनों को सपोर्ट करती है। साथ में दूसरी USB टाइप सी, 2 USB टाइप ए, HDMI एंड 3.5 mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। इसका भी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप आ गया सूस का वीवोबुक 15 लैपटॉप। देखो इसके अंदर हमें i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दोनों लैपटॉप देखे ना, उन दोनों के अंदर हमें i5 का प्रोसेसर मिल रहा था, बट इसके अंदर हमें i7 प्रोसेसर दिया गया। ये जो प्रोसेसर है ना, ये अभी तक की वीडियो का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर्स सभी के कंपैरिजन में सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 60,000 रुपए इसका करंट प्राइस है एंड लैपटॉप के अंदर 16GB की रैम दे रखी है, एक्सपेंडेबल 24GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल दे रखी है लैपटॉप में। उसके बाद इसके जो एडिशनल फीचर्स है ना, वो हमें एकदम कमाल के मिल जाते हैं। McAfee लाइफ सेफ एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए फ्री, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड, 180 डिग्री की हिंच। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की डिस्प्ले की कोई लिमिट नहीं है, आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड एक और काफी बढ़िया चीज दे रखी है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उसे ब्रांड ने सर्टिफिकेशन दे दी है 11-12 टेस्ट करने के बाद। बहुत हैवी टेस्टिंग अपने लैपटॉप के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होगी, देखो लैपटॉप की ऑटोमेटिकली लाइफ भी बढ़ जाती है उससे। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा हमें। 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, 1 USB 2.0 टाइप ए, 1 USB 3.2
Gen 1 Type-C, HDMI 1.4 and 3.5mm combo. Highly recommended laptop है, इस budget का one of the highest selling laptop है, ये आपने जरूर जरूर consider करना है। अब बताता हूँ आपको सबसे practical laptop की जो कि हम 60,000 के budget के अंदर buy कर सकते हैं, Lenovo का Yoga Slim 6 laptop। देखो इसे buy करने के लिए ना हमें अपना budget 3-4,000 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। 63 से लेके 64,000 तक के बीच में laptop normally sell होता है, but totally worth it laptop है। i5 का 1240p processor दिया गया, 12 core 16 threads वाला। देखो इसका जो processor है ना, वो एक दो point नीचे है जो हमने इससे पहले वाले प्रोसेसर देखे हैं H सीरीज वाले, लेकिन इसके अंदर हमें इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अब देखो इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलने वाले, लाइक बैटरी बैकअप। 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपका कहीं नहीं गया इस लैपटॉप के ऊपर, इजिली मिल जाएगा। टाइप सी फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक ये लैपटॉप अपना चल जाता है। बूटिंग टाइम इसका लेस देन 10 सेकंड होगा, वाईफाई और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है। स्लीप से तो ये लैपटॉप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाता है। फुल एचडी कैमरा मिल जाएगा। ये जो सारे फीचर्स है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रहे हैं। शॉर्ट में बताऊं तो ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, मेटल की बॉडी वाले लैपटॉप होते हैं, इनके बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया होती है। देखो एक तो मेटल की बॉडी होगी, दूसरी बढ़िया चीज मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि इसकी भी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, 3 महीने के लिए गेमिंग पास मिल जाएगा, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। ये सारे फीचर्स आपको कमाल के मिल रहे हैं इस लैपटॉप के अंदर। उसके बाद जो इसकी रैम एंड स्टोरेज है, वो भी दोनों चीजें लेटेस्ट। DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल नहीं इसकी रैम, 512 GB की जन 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इसकी स्पेसिफिकेशन खत्म नहीं हुई, डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेक करते हैं। सबसे पहले 14 इंच की डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिल रहा है, कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप है, कहीं पे भी ट्रैवल करना होना बहुत ही इजीली कैरी कर लोगे इसे आप। 2.2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, IPS एंटी ग्लेयर। इस पॉइंट की सबसे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है, इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस प्राइस पॉइंट के ऊपर दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। डॉल्बी विजन की सपोर्ट, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट, इतने कमाल के फीचर्स आपको डिस्प्ले में मिल जाते हैं। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप, और ये मेरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है, सिर्फ 1300 ग्राम वेट है इसका। एक USB टाइप है, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, HDMI 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। कमाल का लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। देखो बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आप सैमसंग बुक 2 प्रो को बाय करते हो ना, उसका प्राइस 65 से लेकर 70,000 तक के बीच में रहता है, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। ये दोनों लैपटॉप एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। सेम प्रोसेसर, इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन, सेम रैम एंड स्टोरेज मिल जाएगी आपको, तो ये भी लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है एसर का एस्पायर 7 लैपटॉप, 58,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, एंड इस पॉइंट के अंदर मिलने वाला है सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया ना, वो RTX 3050 दिया गया, TGP 60W है, 4GB का डेडिकेटेड GDDR6। स्कोर्स बाद में चेक करते हैं, बट फर्स्ट इसका जो प्रोसेसर है वो i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 12450H। कमाल का प्रोसेसर हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया, लेटेस्ट 12 जनरेशन का। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, स्कोर्स को चेक कर लो। टॉप लेड एल्युमिनियम की मिल जाती है, बैकलेट कीबोर्ड दिया गया, 16GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की जेन 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली। गेमिंग लैपटॉप जब भी आपने बाय करना ना, एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अपनी डिस्प्ले के अंदर ना कम से कम 120 या फिर 144Hz का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ओपोनेंट आपको मार के चला गया। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं, आप वीडियो पॉज करो, गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक कर लो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो स्कोर्स है ना वो 8GB रैम के साथ है, लेकिन मैं आपको लैपटॉप बता रहा हूँ 16GB रैम वाला, तो उसके ऊपर अपने जो परफॉर्मेंस है वो इससे ज्यादा ही बढ़िया मिलेगी। 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा लैपटॉप में। ईथरनेट पोर्ट मिल जाती है, HDMI, USB टाइप ए 3.2, 2 पोर्ट्स मिल जाती है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दे रखी है। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, ये भी आप जरूर कंसीडर करो। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग इस पर्ट का सबसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप रहेगा आपके लिए, वो है सूस्टॉफ गेमिंग F15 लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है ना, ये एसर वाले से भी ज्यादा बढ़िया लैपटॉप है। 62,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस हो गया। i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया, 11400H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। प्योरली गेमिंग डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस। ग्राफिक कार्ड चेक करो, दिया गया RTX 3050 4GB का, सेम ग्राफिक कार्ड है लेकिन इसकी पावर ज्यादा है, TGP 75W है इसकी। एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, वो दोनों के अंदर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा 60 और 75W TGP होने के कारण। वीडियो पॉज करो, सेटिस्फाइड हो जाओ पहले स्कोर्स देख के, तभी आपने इस लैपटॉप को बाय करना है। और एक ऐसी चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाती है जो कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ये जो चीज है ना, ये प्रोफेशनल लैपटॉप की होती है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर अगर हमें मिलती भी है ना, तो ट्रायल वर्जन पे मिलती है, बहुत ही कम, इक्का दुक्का ऐसे लैपटॉप होते हैं जो कि हमें MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाए, वो भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड दिया गया तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बढ़ जाती है लैपटॉप की, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है अपने लैपटॉप की। वही स्टैंडर्ड 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मैक्सिमम मिलता है, इससे ज्यादा का बैटरी बैकअप आप किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर एक्सपेक्ट भी मत करना। बैकलेट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 Thunderbolt 4 पोर्ट मिल जाती है, साथ में HDMI 2.1, ये सारी पोर्ट्स अपने लैपटॉप के अंदर दे रखी है। सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर तो आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है Asus Tough, बेस्ट है इस बजट के अंदर, सारी ट्रिपल ए टाइटल वाली गेम्स एकदम स्मूथली चल जाती है। थिनर लाइट सीरीज के अंदर एक तो इंटेल ईवो सर्टिफाइड वाला लैपटॉप हो गया, वो सबसे कमाल का ऑप्शन है। उसके अलावा जो मैंने आपको दोनों एच सीरीज वाले लैपटॉप बताए हैं ना, उन दोनों में से भी आप किसी को बाय कर लोगे ना, आपको परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है कि कमाल की परफॉर्मेंस निकाल के देंगे वो दोनों लैपटॉप। अगर आपने किसी भी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियो चैनल के ऊपर है, आप उन्हें चेक कर लो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।